गुड आफ्टरनून, आप सभी हैं अभी एवरीडे स्माइल चैनल पर। और मैं वीडियो बनाई थी फ्रेंड पार्ट वन, आज मैं पार्ट टू बना रही हूँ कि किस तरह से मैंने टेरेस गार्डन को अरेंज किया है। पहले सारे पौधे एक जगह पे थे, अभी मैंने धूप दिखाने के लिए पौधों को अलग अलग कर दिया है। और आज आसमान में बहुत धुंध छाया हुआ है फ्रेंड्स, और मौसम विभाग के तरफ से तो कहा जा रहा है कि 2 दिन बारिश होने की संभावना है कल और परसों। देखिए धुंध के कारण पहाड़ भी साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ धुंध छाया हुआ है। तो आइए मैं जल्दी से वीडियो की शुरुआत करती हूँ। ये दूसरे तरफ मैंने कुछ पौधों को रख दिया है। इसमें देखिए बेली और तुलसी है, और ये चांदनी का पौधा है फ्रेंड्स। और ये कटिंग मैं ला के लगाई थी जो गुड़हल की, वो लग गई है, इसमें पत्तियाँ आ गई है फ्रेंड्स। ये मोटी कटिंग थी इसलिए इसे लगने में इतना समय लगा, और पतली वाली जितनी भी कटिंग मैंने लगाई वो सब बहुत जल्दी लग गए थे फ्रेंड्स। यहाँ भी एक तुलसी का पौधा है। जो भी तुलसी के पौधा अपने से निकल आते हैं मैं उन्हें हटाती नहीं हूँ, या किसी फ्रेंड को मैं दे देती हूँ, और नहीं तो मैं ऐसे ही रहने गमला में रहने देती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे घर के अंदर था सॉन्ग ऑफ इंडिया, मरणासन स्थिति में आ गया फ्रेंड, ख़राब होने लगा, तो मैं इसे धूप दिखाने के लिए यहाँ डाल दी हूँ। और यह देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा क्लैंचू का पौधा कितना सुंदर हो रहा है, इसमें कितना सारा कली आया है। और ये 1 सप्ताह में सारे पॉट जो है ये पूरा पॉट फूलों से भर जाएगा, सारे कली खिल जाएंगे फ्रेंड्स। और एक क्लैंचू का पौधा बहुत ही आसान है इसको लगाना भी, और खाली पानी का इसमें ध्यान रखना होता है, इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है फ्रेंड्स। और फिर मैं बाद में इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगी, अभी मैं जल्दी से आप लोगों को अपने पौधे को दिखा दूं। और ये अपराजिता है फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें ये ब्लू वाला अपराजिता, और इसमें वाइट अपराजिता भी है, उसमें अभी फूल आए नहीं हैं वाइट वाला। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर फूल होके और ये अब सूख रहा है, वाइट वाला अपराजिता है, दोनों इसी में मैं लगा दी हूँ, वाइट और ब्लू। और ये भी एक उड़हल का पौधा है मेरा, पीला वाला, ये भी कटिंग से लगाई हूँ फ्रेंड्स, और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये देखिए। और ये भी सदाबहार भी बोलते हैं, सदा सुहागन भी बोलते हैं, देखिए कितना सुंदर खिल रहा है। और इसमें भी मैं सॉन्ग ऑफ इंडिया का कटिंग लगा दी हूँ, ये भी एक ड्रेसिना का ही प्रजाति है फ्रेंड्स। और इसमें देखिए मेरा स्नैक प्लांट बहुत ही सुंदर हो रहा है, और तुलसी का पौधा भी है फ्रेंड्स। और एक ये ड्रेसिना रेड वाला, जिसके बारे में मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि ये ख़राब हो गया था, तो इसे मैं फिर से उखाड़ के लगा दी हूँ फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये भी एक तुलसी का पौधा अपने आप निकल आया था फ्रेंड्स, इसको भी मैं इसी में छोड़ दी हूँ। और ये देखिए मेरा रियो का कितना सुंदर हो गया है, पूरा घना पूरा भर गया फ्रेंड्स पॉट। और इसकी पत्तियाँ देखिए ऊपर ग्रीन है, और इसका बैक साइड में आपको ये देखिए, इसका बैक साइड मरून रहता है रेड। इसको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, इसीलिए मैं इसको ऐसे जगह पे रखी हूँ जहाँ कम धूप मिलता है इसको। और यह देखिए, इसमें बेली और तुलसी का पौधा फ्रेंड्स, ये भी मेरा गुड़हल पीला वाला जिसे मैं कटिंग से लगाई हूँ। और यहाँ भी एक रियो का पौधा है, और यह देखिए अम्ब्रेला पाम, और ये अगेव है, इसको मैं एक पौधा लगाई थी फ्रेंड्स, देखिए इसमें कितने सारे पफ निकल आया है। ये देखिए 1, 2, 3 पौधा हो गया एक से। और उधर भी सॉन्ग ऑफ इंडिया का मैं कटिंग लगाई हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें भी सदाबहार है। और ये जो है ये है अजवाइन वाला पॉट, अजवाइन का पौधा है फ्रेंड्स, ये देखिए। और एक कैन लिली है, गर्मी में इसमें फूल आता है, वाइट में गुच्छे में आता है फ्रेंड्स। और मैं इस तरफ से आती हूँ फ्रेंड्स, इधर भी मैंने कुछ डब्बों में पौधा लगा रखी हूँ,
जिसमें सदाबहार भी है, तुलसी भी है, इधर भी सदाबहार है। हालांकि मुझे लग रहा है कि इधर जितना धूप इन्हें चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनकी पत्तियां जो है वो पीली हो रही है। इनको मैं हटाकर दूसरे तरफ फिर शिफ्ट करूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी मेरा पुराना वाला गुलदाउदी का पौधा है, पीला कलर का। दे देखिए, खूब सुंदर फूल आ रहा है और ये एक डब्बा में लगा हुआ है फ्रेंड्स। और ये भी एक कैक्टस का ही प्रजाति है, और मैं यहीं से दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस तरह से मैं लाइन से रख दी हूँ पौधों को। आइए एक बार चलते हैं। ये भी अगेव का ही एक पौधा है, और ये भी एक सो प्लांट है फ्रेंड्स। और ये देखिए, इसमें ट्रायंगल हार्ट, सॉरी ये है, इसमें देखिए करोटन एक लगाई हूँ, और पर्पल हार्ट है, ट्रायंगल हार्ट नहीं है फ्रेंड्स, पर्पल हार्ट है, जो अपने से किसी पॉट से इसमें गिर गया था और ये पूरा इसको इस पॉट में पूरा भर गया था फ्रेंड्स। मैं इसे हटाई हूँ, कुछ को छोड़ दी हूँ, और ये मेरा करोटन जो है ये ख़राब हो गया था मिली बग लग के, इसको मैं पूरा कटिंग करके हटा दी थी, तो फिर से इसमें नए पत्ते आ रहे हैं। और वो देखिए, वो कैक्टस बहुत ही सुंदर हो रहा है, और उसमें एलोवेरा का पौधा भी है। और आगे आते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, एक उड़हल का यहाँ पौधा है, इसमें एक पौधा लगाई थी फ्रेंड्स, पत्ते तो हुए थे पर पता नहीं क्यों मुझसे पानी ज़्यादा पड़ गया, इसलिए ये ख़राब हो गए हैं। और ये भी एक सो प्लांट है, और इसे तो मैं बहुत बार दिखाई हूँ कि एक डब्बा में मैं किस तरह से इसको लगा के रखी हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, ओके बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स। बाय बाय।